नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आशीष वेडिंग ब्लॉगर में। तो अभी हम मनु भैया के साथ हैं और कभी कभी कुछ दास्तान ऐसे होते हैं मोटर लाइन में जहाँ तक वो बताने लायक होते हैं। तो थोड़ा सा मनु भैया के साथ एक अभी मतलब आज ऐसा किस्सा हुआ है कि अगर आपको बताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मनु भैया थोड़ा सा बताना चाहेंगे। पहले तो आप सभी को मेरी राम राम और जय हिंद। आज एक्चुअल में हुआ ये कि एक हम गाड़ी को डिलीवर करने जा रहे थे तो कस्टमर मेरे साथ ही गया और कस्टमर हमारे ऑफिस से गोल हो गया, मतलब गायब हो गया और फोन भी बंद हो गया। मतलब ये ड्रामा जो चला आशीष भाई लगभग एक घंटे चला और फिर एक घंटे बाद उनका फोन ऑन हुआ, फिर मेरी बातचीत हुई उनसे, फिर मैंने उसको पिकअप किया, फिर उसके बाद डिलीवरी हुई और उसके बाद उन्होंने भाई साहब ने सवारी बैठाने के चक्कर में एक अर्टिगा गाड़ी से हल्का सा टच भी कर दिया, ठोका नहीं मतलब टच कर दिया, टच हो गया। फिर उसको भी जाके फिर मैंने उसको मैनेज किया और उनकी गाड़ी ऑन रोड वहाँ से रवाना हुई फिर भाई साहब घर गए। तो मतलब बहुत पजल्ट हो गए। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि ये कमर्शियल लाइन है, ड्राइवर कम एजुकेट होता है और उसको चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती। हो सकता है कि वो जो उसका क्वेश्चन माइंड में हो वो 10 बार 20 बार 50 बार भी आपको समझाना पड़ सकता है क्योंकि एजुकेशन लेवल कम है लोगों का और वो कंपैरिजन भी करते हैं अदर मैन्युफैक्चरर से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हुआ आशीष भाई, बहुत परेशान हुए। नहीं तो ऐसा मतलब आप बता रहे थे कुछ मिठाई भी आ गई थी। नहीं, मतलब गाड़ी लेने वाला बंदा ही नहीं। आशीष भाई हुआ ये एक्चुअल में कि मिठाई आ चुकी थी, गाड़ी एकदम वर्कशॉप पे रेडी खड़ी थी और हम लोग गाड़ी ब्लेरो न्यू लिए खड़े, हमारे बॉस और हम लोग सब लोग तैयार थे, सारे पेपर फॉर्मेलिटी सारे डॉक्यूमेंट हो गए थे और वो भाई साहब सीढ़ियों से उतरे, लिफ्ट भी नहीं ली उसने और वो पता नहीं कहाँ गोल हो गए, पता ही नहीं चला। तो लगभग एक घंटे के मतलब जद्दोजहद के बाद उनका फ़ोन ऑन हुआ, फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इसमें TCS ज़्यादा ले रहे हैं। अरे हमने कहा मेरा भैया जो भी तुम गाड़ी लोगे 10 लाख से ऊपर की उसमें TCS तो नहीं होगा दे रहे। लास्ट टाइम आपने जब गाड़ी ली थी तो उसको भी TCS आपने क्लेम किया था। हाँ। तो ये तो जेन्युइन सी बात है और आप लोग भी ऑडियंस समझ लीजिए। हाँ, TCS क्या है थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को अगर आप एक बार ये आप सीधे समझ लीजिए कि बहुत मतलब देसी भाषा में आसान भाषा में समझे, आप 10 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी चीज़ परचेज करेंगे, एनीबडी XYZ कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो गवर्नमेंट उस पर एक टैक्स लेगी, TCS जिसका नाम है, और वो आपके पैन नंबर पे जमा किया जाएगा और तीन महीने के बाद आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके पैन नंबर पे। अगर आपका आधार पैन लिंक्ड है तो वो शो कर जाएगा और अगले जब उसका फॉर्म ITR का टाइम आएगा तो उसको आप क्लेम कराएंगे तो वो आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि गवर्नमेंट एक डेटा इकट्ठा करती है कि किस पूरे पैन इंडियन लोगों कितने लोगों ने 10 लाख रुपए से ऊपर की चीज़ परचेज की। ये आशीष भाई हाँ ये फंडा है, मतलब इसमें किसी का लॉस नहीं है, बस सरकार की एक नज़र में चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि लोग आजकल ITR वगैरह भरते हैं तो इसका मतलब यही है ना कि लोन आसानी से आपको मिल जाएगा, आप सरकार की निगाह में आप एक नंबर के इंसान हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता TCS का। हाँ ये जिस तरीके से कि आप कोई भी संस्था अगर आपको पेमेंट करती है तो उसमें कुछ सर्विस टैक्स काट के आपको पेमेंट होता है, तो उसी तरीके से परचेसिंग में भी ऐसा रूल्स लगा हुआ है। पहले ये अभी कुछ टाइम के लिए 0.5 हो गया था लेकिन गवर्नमेंट ने इसको दोबारा अब 1% कर दिया है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अरबों रुपए की डीलिंग होती है तो उसमें TCS मैंडेटरी है, लगना ही लगना है। और बाकी कैश की पॉलिसी आप जानते ही हैं, 1-2 लाख रुपए में 1 रुपए कम तक कोई किसी को भी आप कैश दे सकते हैं। ये है आज। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। आशीष भाई को बहुत प्यार दीजिए, बहुत मेहनत से ये बहुत दिन रात आप लोगों के लिए लगे रहते हैं और बाबाइश बगैर गुड नाइट।